हेलो एवरीवन, चलो आज हम कोलोकेशन में इसके आगे करते हैं। जहां तक आपको पढ़ाया था ना, उसके आगे करेंगे। और आज मैं कोलोकेशन का अराउंड 50 सेंटेंसेस तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इनसे रिलेटेड जब भी सेंटेंस बोलो तो ये सही शब्दों का जोड़ा इस्तेमाल करना। आ जाओ, हम लोगों ने देखो कहां तक कर लिया था। हम लोगों ने 30 तक कर लिया था, है ना? 30 तक कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ 31 तक। सुनो, अटर अ वर्ड। अटर का मतलब होता है बोलना, निकालना आवाज के रूप में। कहते हैं ना, किसी को धमकाने के लिए एक शब्द मत बोलना, है ना, एक शब्द मत मुंह से निकालना। ऐसे कंडीशन में आप कहोगे डोंट अटर अ वर्ड, डोंट अटर अ वर्ड। अगर मैं ये कहूं कि भाई वो इतना शॉक्ड था, इतना ज्यादा उसे धक्का लगा था कि मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पास्ट टेंस हो गया ना। ये देखो, ये इंपरेटिव सेंटेंस था। अब मैं पास्ट टेंस में जाऊं, ही वॉज सो शॉक्ड, ही वॉज सो शॉक्ड दैट, वो एक शब्द बोल नहीं पाया। He could not utter a word. He could not, couldn't utter a word. एक शब्द नहीं बोल पाया, है ना? तो आप टेंस के अकॉर्डिंग देखो, मॉडल्स के अकॉर्डिंग देखो, लेकिन हाँ, utter मतलब बोलना, जैसे मुंह से निकालना। Do the dishes। अगर मैं कहूं कि भाई रात का तो बर्तन मुझे धोना पड़ता है, है ना? कभी कभी आप लोग, कभी दो फ्रेंड्स रहते हो तो दिन का बर्तन वो धोएगा, रात का बर्तन मैं धोऊंगा, नहीं तो ऐसे कैसे बोलोगे? कहोगे आई डू द डिशेस आफ्टर डिनर, चाहे एट नाइट। ही डज द डिशेस आफ्टर लंच एंड आई डू द डिशेस आफ्टर डिनर। इसका मतलब है बर्तन धोना। बर्तन धोना इज वॉश द यूटेंसिल्स, बोलना चाहते हो ठीक है, लेकिन यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म है डू द डिशेस। नेक्स्ट आओ, टेक अ नैप, झपकी लेना। अगर आप कहोगे कि भाई लंच के बाद मुझे झपकी आती है और मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं, कैसे कहोगे? कहोगे आई टेक अ नैप आफ्टर लंच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लंच के बाद झपकी लेना, लेकिन आजकल ले ही नहीं पाती हूँ, इतना काम रहता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, संडे को खाना वाना खाने के बाद बहुत बढ़िया से, संडे को मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। एक तो सुबह मुझे अलार्म लगा के उठना ज़रूरी नहीं होता, और दूसरा लंच के बाद मैं झपकी ले सकती हूँ। तो ये चीज़ें जो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मैंने क्या कहा कि आई टुक अ डिनर, सॉरी आई टुक अ नैप आफ्टर लंच टुडे, यानी आज मैंने लंच के बाद एक झपकी ली। देखो, समझ में आया? और अगर मैं कहूंगी कि मैं लेती हूं तो आई टेक अ नैप आफ्टर लंच, यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करो ना। मैंने कहा मैंने झपकी ली तो टेक का टुक हो गया, यानी इसमें जो वर्ब है ना वही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा ना, ठीक है? नेक्स्ट आओ, हैच अ कॉन्स्पिरसी। कॉन्स्पिरसी होता है षड्यंत्र, और हैच का मतलब करना। अगर मैं कहूं कि भाई उन लोगों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया, है ना, उसके जो कोर्ट में रहने वाले जो कोर्टियर्स थे, यानी दरबारी थे, उन लोगों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र किया, कैसे कहूं? कोई कहानी सुना रही है आपको, तो मैं कहूंगी द कोर्टियर्स hatched a conspiracy against the king. हाँ, अगर आप कहोगे मैम मुझे verb conspire नहीं लगा सकते, मैं कहूंगी लगा लो। conspiracy करना के लिए भी एक verb है conspire, यानी कि द कोर्टियर्स कॉन्स्पायर्ड
अगेंस्ट द किंग, वो भी चलता है ना. लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज कर रहे हो यानी नाउन के रूप में, तो उसके साथ जो वर्ब है वो हैच होगा, है ना. जबकि हैच का मतलब एक और होता है, अंडे का फूट के बच्चे का निकलना, द एग्स हैच्ड, है ना. तो फूटे और अंदर से चूजे निकले. लेकिन यहां पे सेम वर्ड यूज हो रहा है. देखो, पे अटेंशन, ध्यान देना, पे अटेंशन टू द चैप्टर. पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना. अब जिस तरफ ध्यान दिलवा रहे हो तो आप टू लगाना प्रेपोजिशन, जैसे पे अटेंशन इन द क्लास, या पे अटेंशन टू द लेक्चर. जिसके प्रति अगर ध्यान दे रहे हो तब टू, क्लास में ध्यान दो, पे अटेंशन इन द क्लास. प्रेपोजिशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. पे ट्रिब्यूट, बेटा जब कोई मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देते हो ना, है ना. वैसे ही हम पे ट्रिब्यूट वर्ड यूज करते हैं. जैसे मान लो मैं कहूं कि दिवंगत जो आत्मा है, अब दिवंगत आत्मा का इंग्लिश क्या होगा सोचो, है ना. हमने उसे श्रद्धांजलि दी तो कहेंगे वी पेड अटेंशन टू, पे अटेंशन, पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल. सोल का मतलब आत्मा, और डिपार्टेड मतलब होता है जो डिपार्ट कर चुका, यानी जो चला गया, प्रस्थान कर चुका, यानी आत्मा शरीर को छोड़ के प्रस्थान जो कर चुकी है, उस आत्मा को हमने श्रद्धांजलि दी. वी पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल. देखो, समझ में आया, वी पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल. हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, ठीक है. हालांकि आज थोड़ा सा मेरे पास कमेंट्स आने में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ माय स्क्रीन, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो. और सेम क्लास आज मैं यूट्यूब में भी ले रही हूं, तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है. टेक अ पिक्चर, अगर मैं कहूं कि भाई मेरा डॉग है, मेरा पेट है, इसका जरा पिक्चर ले लेना, तो एक एक पिक्चर खींच लो, तो कहेंगे टेक अ पिक्चर मेरे कुत्ते का ऑफ माय पेट. टेक अ पिक्चर ऑफ माय पेट, मेरे कुत्ते का एक पिक्चर ले लो. टेक अ पिक्चर ऑफ माय पेट, समझ में आया. देखो, गेट वेट, गीला हो गया. अगर मैं कहूं माई क्लोथ्स हैव गॉट वेट, गीला हो गया, मेरे कपड़े गीले हो गए, माई क्लोथ्स हैव गॉट वेट. देखो, Keep quiet मतलब चुप रहो, है ना. अगर मैं कहूंगी प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए. देखो, समझ में आ रहा है ना, है ना. अगर मैं कहूं भाई मैं तो चुप रहती हूं, आई कीप क्वाइट, मैं तो चुप रही थी वहां पे, आई केप्ट क्वाइट, है ना. भाई आप मीटिंग कर लेना, मैं चुपचाप बैठे रहूंगी, है ना. अगर मैं कहूं मैं चुपचाप रहूंगी, आई विल कीप क्वाइट, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो. आई विल कीप क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट, आई कीप क्वाइट. तो बस बेटा टेंस जो है ना उसी को अप्लाई करना है, लेकिन सही वर्ड का चुनाव करना है.
आज मैं आपको सही वर्ड का चुनाव करना सिखा रही हूं। स्टे काम, चुप रहो, शांत रहो, है ना, एकदम शांत रहो, स्टे काम। आप कहोगे मैम चुप रहो बोला है, तो मैं कहूंगी कीप क्वाइट, शांत रहो। शांत और क्वाइट लगभग सेम है, लेकिन यहां पे कभी भाई ये मानसिक शांति की बात करते हो ना, तो मैं कहूंगी भाई जब प्रॉब्लम आए ना तो एकदम शांत रहो, स्टे काम। ड्यूरिंग क्राइसिस, स्टे काम ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान शांति बनाए रखिए, ठीक है। स्टे काम ड्यूरिंग क्राइसिस। देखो, गेट एंग्री, गुस्सा क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, गुस्सा क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, ठीक है। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, है ना। गुस्सा क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मेरे से संपर्क में रहना, मेरे से संपर्क में रहना, कीप इन टच, मेरे से संपर्क में रहना, कीप इन टच, ठीक है। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है, कैसे बोलोगे, पूछ रहे हो तुम्हारी शादी होने वाली है, आर यू गेटिंग मैरिड, आर यू गेटिंग मैरिड का मतलब हुआ कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली है, आर यू गेटिंग मैरिड। भाई अपसेट मत हो, गुस्सा मत हो, डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट, गुस्सा मत हो, डोंट गेट अपसेट, ठीक है। देखो क्या कहा मैंने कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आर लगाओगे, और शादी कर रहे हो, यही तो। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा नहीं कि खाली कॉन्टिन्यूस ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हो ना, है ना, वो फ्यूचर के लिए भी लागू हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं आज रात में मुंबई जा रही हूं, तो बेटा जा रही हूं, रही हूं का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है ना, इसीलिए फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया है। नेक्स्ट आओ, गेट फ्राइटेंड, डर जाना, भाई मैं तो डर गई, आई गॉट फ्राइटेंड, गेट का सेकेंड फॉर्म लगा दिया तुरंत, गॉट, क्यों भाई, डर गई, डर चुकी, आई गॉट फ्राइटेंड, मैं डर गई, आई गॉट फ्राइटेंड। वह शराब पीता है, अगर मैं कहूं तो ही ड्रिंक्स होगा, सीधा सीधा खाली, ड्रिंक के बाद लिकर होगा, लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो तो एकदम पी के टुल हो गया, तो मैं क्या कहूं, ही गॉट ड्रंक, ही गॉट ड्रंक। लेकिन अगर आप कहोगे ना वो शराब पीता है, तो फिर गेट नहीं लगाने की जरूरत है, फिर तो ही ड्रिंक्स लगा दो, वो शराब पिया, बहुत ज्यादा टुल हो गया, ही गॉट ड्रंक। ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, एक एहसान करो मुझ पर, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, मेरे पर एक कृपया करो, डू मी अ फेवर। भाई अंधेरा हो रहा है, कैसे कहोगे, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। अगर मैं कहूं आजकल तो 7 बजे अंधेरा होता है, तो कैसे कहूं, इट गेट्स डार्क एट 7 PM, आजकल का इंग्लिश nowadays। बेटा ये आप एक चीज ध्यान से देखो कि मैंने जो आज खत्म कराया ना आपको, कोलोकेशन चैप्टर खत्म हो गया है,
और कोलोकेशन क्योंकि एसएससी वगैरह में तो ज्यादा आता है तो उसमें करीबन 125 तक करवा देते हैं, लेकिन क्योंकि स्पोकन की बात है तो स्पोकन में हम बहुत ज्यादा नहीं कराते, बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं होता, तो 50 तक ही कराया है मैंने। और इसको अच्छे से याद कर लो, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें मैं आगे बढ़ूंगी आपके क्लासेस में, टेंस वगैरह जो पढ़ा चुके हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, चलो थैंक यू।